नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ वृषभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। वृषभ राशि 15 से 21 नवंबर 2019, नवंबर माह का तीसरा सप्ताह क्या कहता है, आइए जानते हैं। यह सप्ताह आपके लिए किस प्रकार से बीतेगा, क्या शुभ है क्या अशुभ है, कितना लाभ मिलेगा कितनी हानि होगी, कैसे सप्ताह को बेहतर बनाया जाए, नौकरी व्यापार शिक्षा परिवार में खुशियाँ बनी रहें, कैसे हम इस सप्ताह में धनी बने, कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त करें, सब कुछ मैं बताऊंगा। छोटी बड़ी बातों के बारे में, हर बड़ी हर छोटी बात आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा, जिससे आप इस सप्ताह को बेहतर बना सके। प्रेम संबंध, शादी विवाह, रिश्ते, मित्रता, सबकी बात करेंगे, स्कूल कॉलेज की भी बात करेंगे और घूमने फिरने की भी बात करेंगे। देश विदेश की यात्रा होगी तो कैसे होगी और क्या उपाय करके हम अपने भाग्य को और मजबूत बना सकते हैं, तो ये सब कुछ है इस वीडियो के अंदर। और अंत में ये भी जानेंगे भाग्य पर शुभ अंक, शुभ रंग भी, ताकि आपको पता लग सके कि किस प्रकार के सप्ताह को आप जीने वाले हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाले निशान के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं 15 तारीख 11:05 तक के समय की। चंद्रमा लग्न में गोचर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, ये लग्न हुआ तो 11:05 तक चंद्रमा लग्न में गोचर करेंगे। फिर उसके बाद 16 और 17 तारीख को द्वितीय भाव में होंगे। यहाँ पर राहु चंद्र का ग्रहण दोष भी बनेगा आपके लिए। यह सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार, जानदार और अच्छी होने वाली है। 11:05 तक का समय 15 तारीख का अच्छा रहेगा। इसमें आपको शुभ और अच्छा महत्वपूर्ण काम करके लाभ उठा सकते हैं। आपके अंदर जोश और उत्साह होगा, परिवार में सुख शांति का वातावरण होगा। 15 तारीख 11:05 तक आपके पास कई अवसर होंगे आगे बढ़ने के, तरक्की करने के। आपका मूड भी बहुत ही अच्छा रहेगा। 15 तारीख की सुबह आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है और आज सुबह छात्रों के लिए बहुत ही सुखदायी फलदायी होगी। अगर सुबह उठकर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई भी होगी और बुद्धि भी बहुत खुलकर उनका साथ देगी, यानी कम समय में अधिक पढ़ाई होगी और याद भी रहेगा। लेकिन 11:05 के बाद 15 तारीख की बात कर रहे हैं, आपको मानसिक चिंता, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। आपकी यात्राएं बढ़ेंगी लेकिन सावधानी रखनी होगी। आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। आज के दिन 16-17 तारीख को धन का निवेश बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की सलाह देता हूँ। कुछ नया लेना चाहते हैं तो विचार अवश्य करें, सोच समझ कर ही पैसा लगाएं तो बढ़िया रहेगा। आपके काम कुछ ज़्यादा होंगे, आप गलत निर्णय कुछ ले सकते हैं, आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, आपके काम विलंब से हो सकते हैं, जिसकी वजह से शरीर में थकान बढ़ सकती है और आपके कुछ गलत निर्णय आपको मानसिक चिंता और परेशानी और धन हानि भी दे सकते हैं। तो समझदारी दिखाने की कोशिश करिएगा। पैसा, शिक्षा, मान सम्मान सभी कुछ आएगा जरूर, लेकिन बहुत ही कड़ी मेहनत, सावधानी और उपाय करने के बाद। आपको शकी नहीं होना है। शकी मिजाज के कारण आप अपना जो कैरियर है वो भी खराब कर सकते हैं। शकी दिमाग के कारण आप अपने रिश्तों में भी दरार पैदा होती हुई देख सकते हैं। झगड़ा और क्रोध से आपको बचना होगा, मेहनत करते रहना होगा, बताए गए उपायों को भी करिएगा जो वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे। आप अपने जीवन साथी, मित्र, पार्टनर से प्रेम पूर्वक बात करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जितना हो सके परिवार में मीठा बोलने की कोशिश करिएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने धन का निवेश किसी एक्सपर्ट की सलाह से करें। इस समय में आपकी कमाए हुए धन पर दुश्मन की नज़र हो सकती है, कोई फ्रॉड वगैरह भी हो सकता है। आप गलत योजनाओं में फंस कर अपने पैसे को बर्बाद भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, एक बार पुनः विचार अवश्य करिएगा। अब बात करते हैं 18-19 तारीख की चंद्रमा तृतीय भाव में होंगे और 20 और 21 तारीख की चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। आपके लिए यह चारों दिन शानदार, बेहतरीन और अच्छे परिणाम देने वाले होने वाले हैं। आपको मन चाहे फलों की प्राप्ति होने वाली है। यह 4 दिन अगर आप ठीक प्रकार से बिताएं तो नई नई खुशियाँ, नई नई सफलताएँ आपके घर आंगन में आ सकती हैं। आपका बिगड़ा हुआ भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है, दुर्भाग्य का
नाश हो सकता है। आपके विश्वास में, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने वाली है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको कठिन मेहनत जरूर करवाएगा, लेकिन सफलता भी देकर जाएगा, और बहुत शानदार और बड़ी सफलता देकर जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन शानदार होगा। आपकी संतान आपको शुभ संकेत, शुभ समाचार देगी। नौकरी व्यापार में बढ़िया तरीके से बढ़िया सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको अच्छे मित्रों का साथ मिलने वाला है। आपकी कुछ नई दोस्ती यारी हो सकती है। आप घूमने फिरने भी जाएंगे। आपके भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनने वाले हैं, एक दूसरे की सहायता करेंगे। आप 20 और 21 तारीख को सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। समाज में बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होगा। आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आपको आपके काम का सही मेहनताना या पारिश्रमिक या सही हक मिलने वाला है। इस समय अंतराल में आपको आपकी माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, और आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको सर्वत्र विजयी बनाएगा, यानी पूरे ब्रह्मांड में आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको विजयी बनवा सकता है। आपकी माता जी का सहयोग आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारेगा। आपके पिताजी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। आप घर के लिए खरीदारी कर सकते हैं। टीवी, फ्रिज या कोई अन्य जरूरत का सामान घर या ऑफिस के लिए ले सकते हैं, या किसी को गिफ्ट देने के लिए भी ले सकते हैं। हो सकता है घर में कोई मांगलिक और शुभ कार्य होने वाले हो, जिसके लिए बड़ी खरीदारी भी हो जाए, सोना चांदी या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इत्यादि। देश विदेश से लाभ होगा। घर खरीदने का विचार भी हो सकता है। घर खरीदने के लिए बयाना वगैरह भी दिया जा सकता है। पानी संबंधी व्यवसाय खूब फलेगा। आपके लिए बहुत कुछ शानदार है इन दिनों में। छोटी मोटी चिंताओं से आप शीघ्र मुक्त हो जाएंगे, और अपने खर्चों को संभल कर करें। बेरोजगार हैं तो नौकरी में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी आप जो इंटरव्यू वगैरह देंगे, जो प्रयास करेंगे, वहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और यदि नौकरी मनपसंद नहीं है तो भी आप कहीं पर ट्राई कर सकते हैं। आपके बॉस इत्यादि आपको मनचाहा डिपार्टमेंट दे सकते हैं, एक बार प्यार से बात जरूर कर लीजिएगा। तो बेरोजगार नौकरी पाएंगे। नौकरी करने वाले मनचाही पोजिशन या डिपार्टमेंट या मनचाहा ऑफिस भी पा सकते हैं। घर के पास आपका ट्रांसफर हो सकता है। जो लोग देश विदेश में रहते हैं, परिवार को अपने पास बुला नहीं पा रहे थे, अब वो भी परिवार को अपने पास जल्द बुला लेंगे। आपके काम इन दिनों में जो भी अटके हुए थे वो पूरे हो सकते हैं। दिक्कतें समाप्त होने वाली हैं। आपके लिए सप्ताह बेहतर होगा। क्रोध लालच में ना आए, प्रलोभन में ना आए, वाहन को ठीक प्रकार से चलाएं, थोड़ा शारीरिक व्यायाम करते रहें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। 18 और 19 तारीख आपके लिए अच्छी, 20 और 21 तारीख बहुत अच्छी रहेगी। बाकी तारीखों में उपाय करिएगा, और अच्छी तारीखों में भी उपाय करिएगा, ताकि अच्छी तारीखें शुभ परिणाम देती रहें। आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 69%। शुभ अंक 4 और भूरा यानी ब्राउन कलर आपके लिए शुभ रहने वाला है इस सप्ताह में। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय क्या करना है? चंद्रमा को मजबूती देने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे तो फिर राहु के बुरे प्रभाव से ग्रहण दोष से मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। हनुमान जी की आराधना से शनि राहु केतु सभी पूरे ग्रह शांत हो जाएंगे, और आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। माँ सरस्वती का ध्यान, गायत्री मंत्र का पाठ करने से बुद्धि निर्मल बनी रहेगी, गलत विचार दिमाग में नहीं आएंगे। इसके साथ साथ आप गणेश जी की वंदना करिए, लक्ष्मी जी की वंदना करिए, आपको बहुत लाभ होगा। और लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि नारायण विष्णु की भी उपासना करिए, अत्यधिक लाभ होगा। श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा आपके जीवन में सुख शांति सौभाग्य जरूर लेकर आएगी, और आपको खुशियां देकर जाएगी। आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या कोई अन्य शुभ पर्व है इस सप्ताह में, तो मेरी और मेरे चैनल और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं, और आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें। कोई समस्या है तो हमें बताएं, संपर्क करें दिए गए नंबरों पर, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान करके आपको हम खुशी वाली राह पर ले जा सकें। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले चैनल का बटन को दबाइए। हरि ओम, नमस्कार।